कुछ ही दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक ने खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर पेनाल्टी लगाने का ऐलान किया था और अब बैंक एटीएम सहित अन्य सेवाओं के बदले लिए जाने वाले चार्ज को भी बढ़ाने जा रहा है। 1 अप्रैल से किसी भी SBI ATM से 5 से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर हर अगली ट्रांजैक्शन पर ₹10 का अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जबकि अन्य बैंकों के ATM से 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर ही हर अगली ट्रांजैक्शन पर ₹20 कट जाएंगे। हालांकि अगर किसी के अकाउंट में 25,000 से ज्यादा बैलेंस है तो उसे ATM से कैश निकालने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा और बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है तो दूसरे बैंकों के ATM से भी पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। 3 महीने में औसतन ₹25,000 तक का बैलेंस रखने वाले डेबिट कार्ड धारकों से SBI हर तिमाही के लिए ₹15 SMS अलर्ट का चार्ज भी वसूलेगा। हालांकि ₹1,000 तक के UPI USSD ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने SBI द्वारा बढ़ाए गए चार्ज पर सवाल उठाते हुए इसे गलत नीतिगत कदम बताया है। चिदम्बरम ने ट्वीट करके सवाल किया है, ग्राहक चार्ज से बचने के लिए एक बार में ही सारा पैसा निकाल कर घर पर रख लें तो क्या बैंक उससे खुश होंगे? SBI के नए नियम से उन लोगों को परेशानी होना तय है जो छोटे छोटे अमाउंट ATM से निकालते हैं। अब उन्हें या तो अतिरिक्त चार्ज देना होगा या फिर जरूरत का सारा अमाउंट एक बार में ही निकालना होगा।